कल छत्तीसगढ़ रायगढ़ में कीर्तन था, कोई श्याम प्रेमी आ गया, ए भाई साहब हेलो जा रहे प्रोडक्शन देखना है, देखो इस पर छोड़ दोगे ना तो A1 क्वालिटी प्रोडक्शन निकलेगा, बाकी आपकी मर्जी है। कल किसी ने पूछ लिया मुझसे, आप तो बोलते हो कि 30 साल से भजन गा रहे हो, 35 साल से भजन गा रहे हो, श्याम बाबा को डिफाइन करो, श्याम बाबा के बारे में दो शब्द बोलो। मैं चुप हो गया, क्या जवाब देता, मैं कोई भगत वगत नहीं हूं, सिर्फ इसका भजन गाता हूं और वो भी मेरी औकात नहीं, ये गवा देता है तो गा लेता हूं, सुर और ताल का आज तक ज्ञान नहीं है। लेकिन आखिर में इसी ने जवाब दिया कि जिसके पास संतोष और जिसके पास विश्वास है, ये दो चीज जिसके पास है उसकी तिजोरी में कुछ हो ना हो शाम जरूर होता है। थोड़े में भी अगर हम खुश है ना कि बाबा तो मेरे पास है, काम नहीं अटकने देगा कोई, काम कोई नहीं अटकने देगा। अब एक बात बताओ, एक आदमी रोज बैंक के चक्कर काटता हो और एक आदमी वो जिसके पास खुद बैंक हो, अब ये समझ लो कि हमारे पास बैंक है, हम जब चाहेंगे तब कैश हो जाएगा। बोलिए लख दातार की, हेल 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 एक बात बताओ, ये भजन अच्छे लग रहे हैं आपको? ऐसा ही सुनाऊं कि खाली उछलना कूदना है? ऐसा ही हेल हेल प्रेमी क्या कहता है? मैं गर्व से कहता हूं मेरा श्याम सलोना है। बोलो बोलो। मैं इनके ही लिए दिल में भावों को संजोना है, इनके ही लिए दिल में भावों को संजोना है। किसको किसको गर्व है कि वो श्याम दरबार का नौकर है? किसको किसको पूरे पूरे हाथ उठाकर मिलकर बोलना, मैं गर्व से कहता हूँ मेरा श्याम सलोना है, मैं गर्व से कहता हूँ
इनके मिलिए दिल में भावों को संजोना है। ये तालियां बजा कर दिया। एक तरफ सीरियल चलता रहता है, एक तरफ खाना, और आजकल नए किचन जो बनने लगे घर में वो ओपन बनने लगे, इसलिए बनते हैं किचन और ड्राइंग रूम साथ साथ होता है। किचन में खाना बनाते बनाते टेलीविजन देख ले, इसलिए भगवान भोग नहीं लगाता। लेकिन आज भी कन्हैया वही है कर्मा भाई वाला, भक्त बदल गए। आज भी वादा करता हूं खाना बनाते समय पीछे से सीडी चला दो, पेन ड्राइव चला दो, बाबा का भजन चला दो और भजन सुनो, और रोटियां बेलते समय सब्जी बनाते समय उन भजनों की दो चार लाइन साथ में सुनाना, वो भोजन नहीं वो प्रसाद बन जाएगा। विश्वास दिलाता हूं नजर नहीं आएगा लेकिन सबसे पहले भोग लगाने बाबा आए। और अगर इसी भाव में दो बूंद आंसू टपक गए ना, उन आंसुओं को पीने के लिए सिंहासन छोड़कर आपके दरवाजे पर आ जाएगा। क्यों नखरे इसके नारे बड़ा नाजुक छाना है, नखरे इसके किसको किसको ये तालियां बजा कर।
आज निराला है। किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आके, कौन कौन खाटू नहीं गया है, कौन कौन प्रेमी ऐसे हैं जो आज तक खाटू नहीं गए, 1-2% आप नहीं गए खाटू, खाटू नहीं गए, क्यों नहीं गए? बाबा ने नहीं बुलाया, बॉम्बे गए हो, दिल्ली गए हो, वर्धमान के अलावा कहीं नहीं गए, सब जगह घूम आए, सिंगापुर भी जाकर आ गए, लेकिन बाबा ने नहीं बुलाया। बंबई ने आवाज लगाकर बुलाई थी कि आजा मेरे पास में, है ना? बहन एक बात बोलता हूं, एक बार जाके आ जाओ। वर्धमान का ग्रुप जा रहा है मेले पर, वर्धमान का ग्रुप जा रहा है मेले पर, इनको अपना नाम लिखवा दो, फागुन मेले पर चले जाओ, कसम से जिंदगी बदल देता है। जो दुनिया में कहीं नहीं काम बनता वो पहली बार में इसके दरबार में काम बन जाता है। और वो प्रेमी सीना ठान कर कहता है, किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आके। पाता ये बात, मैं खुलकर हंस
पाता, भावों में रुलाता है, रोने का मजाता, भावों में रुलाता है, रोने का मजाता। मेरा दिल इस दिल दिलवर के हाथों का खिलौना है। मैं गर्व से कहता हूँ मेरा श्याम सलोना है। लोगों ने हंसने को एक सिंबल बना लिया खुशी का। कभी कभी रात को सोते सोते सारी रात नींद नहीं आ रही, तड़प रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, इसको सुनाने के लिए सारी रात रो रहे हैं, रोते रोते तकिया गीला हो गया और अचानक सुबह 4 बजे 4:30 बजे नींद आती है। कसम से उस समय साक्षात ये सांवरिया सिराने खड़ा होता है। प्रेम वो रहने का एहसास जिसने महसूस कर लिया, उसे श्याम के दर्शन करने की दरकार नहीं है, उसे श्याम के दर्शन अपने आप हो जाते हैं। मेरा दिल इस दिलवर के हाथों का खिलौना है। मैं गर्व से कहता हूँ मेरा श्याम सलोना है। जिसको जिसको घमंड है अपने बाबा पर वो तालियां बजा कर एक साथ में को